ये हमारा सोर्स डेटा है जिसमें ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और अमाउंट्स दिए गए हैं। इस डेटा सेट में दो कैटेगरी हैं, होम केयर और पर्सनल केयर, और इन दोनों कैटेगरीज के लिए यहाँ पर अलग अलग वर्कशीट्स हैं। ये होम केयर के लिए और ये पर्सनल केयर के लिए। और यहाँ मास्टर शीट में जो भी एंट्री हम करेंगे, जिस भी कैटेगरी की एंट्री हम करेंगे, वो एंट्री रिलेवेंट शीट पर ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ होम केयर वाली शीट पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट एंट्री है वो है सोप के लिए। अब मास्टर शीट में हम एक एंट्री करेंगे होम केयर के लिए, इस कैटेगरी के लिए। तो मास्टर शीट पर आएंगे और यहाँ पर एक एंट्री कर लेंगे होम केयर के लिए। प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे टॉयलेट क्लीनर। कैटेगरी मेंशन करेंगे, क्वांटिटी मेंशन कर देंगे 5, यूनिट प्राइस यहाँ पर मेंशन करेंगे 20। अब ये होम केयर वाली शीट पर आएंगे, ये आप देख सकते हैं जो एंट्री हमने वहां पर अभी की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। इसी तरह से यदि हम मास्टर शीट में एंट्री करेंगे पर्सनल केयर के लिए, तो वो एंट्री पर्सनल केयर वाली शीट पर सेव हो जाएगी। यहाँ पर्सनल केयर वाली शीट पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट एंट्री है शैम्पू प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पर एक एंट्री कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे बाथिंग सोप। कैटेगरी मेंशन करेंगे, क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं 2, और प्राइस यहाँ पर मेंशन कर देंगे 25। अब ये पर्सनल केयर वाली वर्कशीट पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंट्री हमने वहां पर की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक शीट से डेटा मल्टीपल शीट्स पर एक्सट्रैक्ट करना, और इसके लिए हम किसी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पर हमने सेम डेटा सेट लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इन डेटा रेंज को टेबल रेंज में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए डेटा रेंज की किसी भी सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ माई टेबल हैज हेडर्स के सामने बने चेकबॉक्स को चेक ही रहने देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब ये रेंज टेबल रेंज में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर फिल्टर को हम रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे, हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर यहाँ पर व्हाइट कर लेंगे इस तरह से। इस वर्कशीट को हम यहाँ पर रीनेम करेंगे, इसको नेम दे देंगे मास्टर शीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट करेंगे इन रेंज के लिए। इसके लिए डेटा रेंज में किसी भी सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पिवट टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज के लिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट सिलेक्टेड है। अगर आप एक्सिस्टिंग वर्कशीट पर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सिस्टिंग वर्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लोकेशन दे देंगे जहां पर भी आपको सेम शीट में पिवट टेबल क्रिएट करना है। हमारे केस में हम इसको न्यू वर्कशीट पर ही रहने देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नई वर्कशीट पर पिवट टेबल क्रिएट हो गई है। यहाँ से थोड़ा इसको जूम कर लेंगे, जितने भी फील्ड्स आपके डेटा में थे वो यहाँ पर विजिबल होंगे। फर्स्ट है ऑर्डर डेट, इसको हम रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने ऑर्डर डेट को रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मंथ्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए इन डेट्स के लिए। इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिमूव फील्ड पर क्लिक करेंगे और ये डेज वाले फील्ड को भी हम यहाँ से रिमूव फील्ड पर क्लिक करके रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे केवल ऑर्डर डेट्स विजिबल होंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट हम ये प्रोडक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे रोज में, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर। कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम फिल्टर्स में, तो यहाँ पर कैटेगरी फिल्टर में आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये क्वांटिटी को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैल्यूज में और यूनिट प्राइस को भी वैल्यूज में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अमाउंट को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैल्यूज में। अब यहाँ पर इस तरह का पिवट टेबल प्रिपेयर हो गया है। अब इसको थोड़ा सेटअप कर लेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे। इसके लिए किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे पिवट टेबल में और डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ रिपोर्ट लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ शो इन टेबुलर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे तो रिपोर्ट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये सब टोटल्स वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन है डू नॉट शो सब टोटल्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी सब टोटल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर डेट्स ब्लैंक हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर की डेट है सेम डेट है।
इसके लिए हम ये डेट वाले कॉलम में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब ये लेआउट एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे और ये रिपीट आइटम लेबल्स वाले चेकबॉक्स को चेक करेंगे और यहां से ओके करेंगे, तो सभी सेल्स में डेट्स यहां पर विजिबल हो जाएंगे। अब ये डेट वाले कॉलम में आप देखेंगे कहीं कहीं पर माइनस साइंस यहां पर विजिबल है। इनको ऑफ करने के लिए यहां पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए एक बटन्स वाला जो ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो यहां से ये माइनस साइंस रिमूव हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। अब यहां पर हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसके लिए कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पर क्लिक करेंगे और यहां से सेंटर में अलाइन करेंगे डेट्स को। ये प्रोडक्ट वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कॉलम हेडर्स से पहले सम ऑफ ऑटोमेटिकली पिवट टेबल में आ जाता है, क्योंकि पिवट टेबल डेटा को समराइज करता है। हमें यहां पर ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल क्वांटिटी यहां पर, तो हम टाइप कर देंगे क्वांटिटी। अब यहां पर यदि हम एंटर करेंगे तो इस तरह का पॉपअप आएगा, पिवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट। इससे बचने के लिए हम यहां पर जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसके आगे एक स्पेस दे देंगे और एंटर करेंगे। इसी तरह से यहां पर टाइप कर देंगे यूनिट प्राइस और सिंगल स्पेस देंगे, एंटर करेंगे। यहां पर टाइप कर देंगे अमाउंट, सिंगल स्पेस देंगे और एंटर करेंगे। अब इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से सेंटर में अलाइन करेंगे इस तरह से। अब पिवट टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और ये डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे। यहां से हम कोई भी डिजाइन चूज कर लेंगे, जो भी डिजाइन आप रखना चाहते हैं। यहां पर हम डिजाइन सिलेक्ट करेंगे ये, आप देख सकते हैं यहां पर ये डिजाइन अप्लाई हो गया है। व्यू टैब पर जाएंगे और यहां से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे, ग्रिड लाइंस यहां से ऑफ हो जाएंगे। यहां से शीट को हम रीनेम करेंगे और इसको नेम दे देंगे पिवट टेबल। अब यहां पर देखिए जो कैटेगरीज हैं हमने उनको फिल्टर वाले सेक्शन में रखा है। जैसे ही हम यहां से किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर केवल उसी कैटेगरी का डेटा विजिबल होगा, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि हम दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें वापस से इसको ऑल पर करना होगा और ये पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे और ये पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहां ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए ये ऑप्शन है रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो यहां पर ओपन होगी जिसमें आपका वो फील्ड विजिबल होगा जो फील्ड आपने फिल्टर्स वाले सेक्शन में रखा है। क्योंकि हमने फिल्टर्स वाले सेक्शन में कैटेगरी को रखा है तो यहां पर कैटेगरी विजिबल है। अब जैसे ही हम यहां ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी और जो कैटेगरी वाइज डेटा है वो स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग शीट्स पर। तो यहां ओके पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक वर्कशीट हो गई यहां पर क्रिएट होम केयर के लिए और दूसरी वर्कशीट हो गई यहां पर पर्सनल केयर के लिए। यहां पर ये डेट वाले कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से और ये पर्सनल केयर वाले शीट पर भी हम डेट वाले कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। व्यू टैब पर जाकर ग्रिड लाइंस अनचेक करेंगे, यहां पर भी ग्रिड लाइंस को हम अनचेक करेंगे। टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और ये पिवट टेबल वाले फील्ड्स को यहां से क्लोज करेंगे। अब इन दोनों शीट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, होम केयर और पर्सनल केयर। अब जो भी फॉर्मेटिंग आप किसी एक शीट पर करेंगे तो वो दोनों पर अप्लाई हो जाएगी। यहां पर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज इन सेंटर पर जाकर मर्ज कर लेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे इसमें और यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कैटेगरी रिफ्लेक्टेड है और एंटर करेंगे। कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड करेंगे, यहां से ये फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे। अब ये फॉर्मेटिंग यहां दोनों शीट्स पर अप्लाई हो गई है। यहां पर देखिए लिखा गया है पर्सनल केयर और यहां पर लिखा गया है होम केयर। अब देखिए जो भी डेटा हम यहां मास्टर शीट पर एंटर करेंगे जिस भी कैटेगरी का वो ऑटोमेटिकली रिलेवेंट वर्कशीट्स पर सेव हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर एक एंट्री कर लेते हैं हम पर्सनल केयर के लिए। उससे पहले यहां पर्सनल केयर वाली शीट पर आएंगे, आप देख सकते हैं जो लास्ट एंट्री है वो है बाथिंग सोप। मास्टर शीट पर आएंगे और यहां पर एंट्री करेंगे। अब ये पर्सनल केयर वाली वर्कशीट पर आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं जो एंट्री हमने वहां पर की थी वो अभी यहां पर सेव नहीं हुई है। इसके लिए हमें टेबल में राइट क्लिक करना होगा और ये रिफ्रेश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर वो एंट्री विजिबल हो जाएगी। इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट F5। अब इसको हमें यहां पर ऑटोमेट करना है जिससे कि बार बार डेटा रिफ्रेश ना करना पड़े। इसके लिए हम यहां पर एक छोटा सा VBA कोड टाइप करेंगे, मास्टर शीट को सिलेक्ट करेंगे
पहले हम इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, यहां पर ले आएंगे और ये पिवट टेबल वाली जो वर्कशीट है इसको सिलेक्ट करके इसको हाइड कर देंगे यहां से। तो हमारे पास यहां पर तीन शीट्स विजिबल होंगी, फर्स्ट मास्टर शीट, सेकंड होम केयर और थर्ड पर्सनल केयर। अब ये मास्टर शीट वाली वर्कशीट पर आएंगे क्योंकि हमें यहां पर पिवट टेबल को ऑटोमेट करना है, यानी पिवट टेबल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। तो इसके लिए शीट पर राइट क्लिक करेंगे और यहां व्यू कोड पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहां पर मास्टर शीट सिलेक्टेड है, जो शीट वन है एक्चुअली। अब यहां पर इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जनरल सिलेक्टेड है, इसको हम करेंगे वर्कशीट पर। अब इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहां सिलेक्शन चेंज की जगह हम इसको करेंगे चेंज पर। यहां से इसको रिमूव कर देंगे और यहां पर हम कोड टाइप कर देंगे दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल यहां पर विजिबल हो गया है, डबल क्लिक करेंगे, बस इतना ही कोड है। अब यहां से इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम यहां पर कोई भी एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिलेवेंट शीट में ट्रांसफर हो जाएगी, उसके लिए हमें रिफ्रेश भी यहां पर नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पर हम एक एंट्री करेंगे होम केयर वाली शीट के लिए। यहां पर देखिए जो लास्ट एंट्री है वो है टॉयलेट क्लीनर के लिए होम केयर वाली वर्कशीट पर। तो मास्टर शीट पर आएंगे और यहां पर हम इसी को नीचे ड्रैग कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम हम यहां पर टाइप कर देंगे वॉशिंग ब्रश। कैटेगरी यहां पर मेंशन करेंगे होम केयर। क्वांटिटी यहां पर टाइप कर देंगे 20। रेट अमाउंट कर देंगे जो यूनिट प्राइस है 10। तो टोटल अमाउंट आ गया है 200। अब ये होम केयर वाली वर्कशीट पर आएंगे, ये आप देख सकते हैं जो एंट्री हमने वहां पर की थी वो ऑटोमेटिकली यहां पर सेव हो गई है, इसके लिए हमें कोई भी रिफ्रेश यहां पर नहीं करना पड़ा पिवट टेबल को। इसी तरह से जो भी एंट्रीज आप करते जाएंगे मास्टर शीट में वो ऑटोमेटिकली होम केयर और पर्सनल केयर वाली वर्कशीट्स पर ट्रांसफर होती रहेंगी। अब क्योंकि हमने यहां पर इस वर्कबुक में VBA कोड यूज किया है तो इस फाइल को हमें मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप दोबारा ओपन करेंगे तो मैक्रो कोड काम नहीं करेगा। तो इसके लिए यहां फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, ब्राउज करके लोकेशन चूज कर लेंगे जहां पर भी हमें फाइल को सेव करना है। अब यहां पर देखिए सेव एज टाइप में हमें एक्सेल वर्कबुक की जगह पर एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट करना है। फाइल नेम यहां पर दे देंगे और यहां सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव हो गई है। दोबारा ओपन करेंगे तो मैक्रो कोड काम करते रहेगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें किसी भी एक्सेल फंक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।